ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन प्रिय साथियों मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम हमेशा पंचांग के विषय में ही आपको जानकारी दिया करते हैं तो आज भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 19 जून सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत दो के हैं हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है आज शुक्ल पक्ष अभी इस महीने अभी तक और तिथ जो है द्वादशी है आज नक्षत्र रहेगा आज विशाखा योग होगा सिद्ध और करण होगा बालव राशि रहेगी तुला लेकिन आज चंद्रमा अपनी सम राशि तुला से निकलेंगे प्रातः ग्यारह बजकर पांच मिनट पर और यहां से निकल करके वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश प्रातः ग्यारह बजकर पांच मिनट पर राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर बारह बजकर बाईस मिनट से लेकर के दोपहर दो, दो बजकर सात मिनट तक रहेगी साथियों और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है लेकिन आज प्रदोष व्रत है और चंपक द्वादशी भी है और वट सावित्री व्रत जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के तो साथियों अब चर्चा आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आरंभ करने जा रहे हैं जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनके विषय में यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन भी चंद्र और मंगल का राजलक्ष्मी योग बना हुआ है और ये महालक्ष्मी राजयोग जो बना है ये आपको आज के दिन भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने की ओर संकेत दे रहा है किस क्षेत्र में संकेत दे रहा है सबसे पहली बात तो यह है कि वैवाहिक संबंधों को लेकर के आज आप बहुत संतुष्ट रहेंगे वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे और दूसरी बात वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेंगे दूसरी ओर आप सुख सुविधाओं का भी आनंद लेंगे नवीन वाहन आदि का भी आप आनंद ले सकते हैं यानी कि वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा प्रिय साथियों आपके जो वर्क प्लेस है वर्क प्लेस से संबंधित भी जो भी आपके कार्य हैं वो आपके अपेक्षा के अनुसार पूरे होंगे उनको आप पूरे कर पाएंगे और सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे और अपने कार्यों को लेकर के आप बहुत संतुष्ट रहेंगे आज के दिन तो वहाँ पर भी यानी कि वर्क प्लेस में भी सब कुछ आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है होते हुए दूर दराज की यात्राएँ भी आपके लिए एक तरीके से ये लाभकारी रहेंगी लेकिन थोड़ा सा विरोधी और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं उनकी ओर से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती है आज के दिन आपका पराक्रम बना हुआ है और पराक्रम के बल पर ही आप अपने भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं ऐसी स्थिति आज के दिन आप मेष राशि के जातकों के लिए रहने वाली है आज के दिन आप उपाय क्या करें आज के दिन आपके लिए उपाय एक ही बनता है मेरे प्रिय साथियों और वो उपाय आपके लिए बनता है कि क्योंकि शत्रुओं की ओर से आपको थोड़ा हमने कहा कि कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं तो आज के दिन आप माँ दुर्गा जी के मंदिर में जा कर के उनकी मूर्ति के आगे हरे रंग की चूड़ियाँ अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए आज का सर्वोत्तम उपाय रहेगा आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं यानी कि जिनका टॉरस साइन है तो साथियों बताना चाहेंगे कि आप यानी कि जो वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं आज के दिन भी आप अपने ज्ञान का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने ज्ञान के और अपनी बुद्धि के द्वारा जितने भी जटिल से जटिल कार्य भी हैं उनको भी आप आसानी से पूरा कर सकेंगे और यूं तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है वहाँ पर शनि के द्वारा एक बहुत ही प्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है तो वहाँ भी आपके लिए उन्नति के द्वार खुले हुए हैं सफलता के द्वार खुले हुए हैं तो आप वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि थोड़ा सुख सुविधाओं में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं थोड़े बहुत और अपने स्वास्थ्य की जहाँ तक प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी आज आपका सामान्य से मध्यम रहने वाला है थोड़ा सा दांत या आँख को लेकर के समस्या बन सकती है उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और दूसरी ओर जहाँ तक आपका पराक्रम और एनर्जी लेवल का प्रश्न आए आता है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आपका ये मध्यम रहने वाला है पूरे दिन और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कैसे परफॉर्म करें उसके लिए भी उपाय हम दे रहे हैं धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा प्रिय साथियों आज के लिए आपका एक तो प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से अर्ध देना है सूर्यदेव को प्रातः सबसे पहला तो उपाय आपको यही करना है और प्रातः काल ही आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करें संध्या काल भी करें ओम केम केतवे नमः यही आपके लिए उपाय बनता है वृषभ राशि के जातकों के लिए आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं जिनका जेमनी साइन है प्रिय साथियों में बताना चाहूँगा कि जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज कर रहे हैं वे छात्र भी अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाओं का आपको कितना लाभ मिलेगा उसमें कुछ कमी के जरूर संकेत हम देख रहे हैं लेकिन आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आपके वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहेंगे प्रिय साथियों अपनी बुद्धि के द्वारा भी आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और उसके कारण आपका एक अच्छा प्रभाव भी सभी के ऊपर बनेगा लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके उस कार्य को एक तरीके से उसमें ये कोशिश करेंगे कि आपको उसका क्रेडिट ना मिले तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपके सीनियर्स को आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों को जरूर दिखे कि आपने ये कार्य किया है अन्यथा वो कार्य करना जिसको आप करेंगे उसका क्रेडिट कहीं दूसरे लोग ना ले जाए इस बात का भी डर बना हुआ है प्रिय साथियों दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन उपाय आज के दिन आपको क्या करना है प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो तुलसा जी होती हैं तुलसा जी का जो पेड़ होता है घर में जो लगाते हैं तुलसा जी का पौधा उसमें से जो गिरे हुए पत्ते होते हैं तुलसा जी के वो आप चवाएँ खाने में भी मिला कर के कर सकते हैं या चाय या दूध में भी उसको पी सकते हैं यही आपके लिए आज का उपाय है आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माँ का यानी अगर आपके घर में माता हैं आपकी तो उनका आपको सुख प्राप्त होगा उनका स्नेह हो प्राप्त होगा उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनसे किसी ना किसी रूप में लाभ की प्राप्ति के भी संकेत मिल रहे हैं तो मिल सकता है आपको और सुख सुविधाओं का भी आप आज के दिन बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं और कर्क राशि के जातकों के लिए वर्क प्लेस को लेकर के बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे आपकी उन्नति भी होने के पूरे प्रबल योग बने हुए हैं चार्ट में क्योंकि मंगल के द्वारा एक बहुत ही अच्छा रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल के द्वारा तो मंगल आपको काफी अच्छी सफलता प्रदान कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में और आपको दूर दराज से भी कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी बहुत इस बात की संभावना है कि आपकी पदोन्नति या उन्नति हो दूसरी ओर जहाँ तक आपका इस बात का प्रश्न है कि भाई इनकम तो इनकम तो आपको हो रही है लेकिन आपको खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा कर्क राशि के जातकों को और ये खर्च भी आप अपने ऊपर अधिक कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बजट बिगड़ जाए तो आप अपने बजट को नियंत्रण में रखें अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें ताकि आने पर समय आने पर अगर पैसे की आपको आवश्यकता पड़े तो पैसा आपके पास हो आपको उसके लिए दिक्कत तकलीफ ना उठानी पड़े इसके साथ साथ जो आपका पराक्रम है वहाँ पर थोड़ा उसमें कुछ कमी दिख रही है स्वभाव में कुछ आलस्य रहेगा आलसी स्वभाव बना रहेगा और आज का काम कल पर टाल लेंगे की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार की भी मनोस्थिति आपकी रह सकती है तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे या फिर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो उसके लिए आज आप क्या उपाय ऐसे करें कि जो आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा बना रहे तालमेल और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे तो ऐसा क्या किया जाए तो प्रिय साथियों आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें हनुमान जी की पूजा जरूर करें और इसके अतिरिक्त आप काले सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह कर दें ये भी कार्य आप करें और हनुमान जी की पूजा यानी कि अगर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये अति उत्तम उपाय आपके लिए रहने वाला है आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि साइन बनता है प्रिय साथियों आपको बताना चाहूँगा कि आपका पराक्रम और आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और पराक्रम के दम पर आपका भाग्य भी काफ़ी प्रबल और मजबूत रहेगा भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है जहाँ तक सामान्य एजुकेशन जो स्टूडेंट्स प्राप्त कर रहे हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आसानी से कर पाए आपको अपने यानी कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं उनको अपने घर परिवार के साथ जो संबंध हैं उनके भी अच्छे बने रहें और आपका वर्क प्लेस में भी कार्य सुचारू रूप से सही तरीके से चलता रहे हालांकि इसमें आपको सामान्य से मध्यम परिणाम मिलने की ही संभावना बन रही है वर्क प्लेस को लेकर के और थोड़ी बहुत एक तरीके से आपके और आपके परिवार के जो सदस्य हैं थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी बनने की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है आज के दिन और जो वैवाहिक संबंध हैं वो आपके सामान्य से मध्यम ही रहने वाले हैं लेकिन उपाय आज के लिए आपका जो बनता है उपाय हम आपको बता रहे हैं कि गणपति जी की पूजा करना गणेश स्त्रोत्र का पाठ करना आपको बहुत लाभ देगा आप गण गन, गणेश स्त्रोत्र का पाठ करें साथ में आरती करें उसके अंत में और मोदक का या मोतीचूर के लड्डू का गणपति जी को भोग अवश्य लगाएं तो गणपति जी की पूजा करना आज के दिन आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला है आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका साइन बनता है प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं धार्मिक विचार हैं शुद्ध विचार रहेंगे धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं वैवाहिक सुख आपके बराबर बने रहें उसके लिए भी हम आपको उपाय देंगे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन लेकिन दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है प्रिय साथियों बताना चाहेंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं और आय भी आपको होती रहेगी इनकम भी आपके हाथों में आती रहेगी और खर्चा उसका जो करना है वो भी आप सोच समझ करके ही करेंगे ऐसा नहीं है कि अपने जो आपके हाथों में धन आ रहा है आज उसका आप बिना सोचे समझे कुछ अनावश्यक तौर पर खर्च कर देंगे ऐसी बात नहीं है खर्च भी आराम से सोच समझ करके ही करेंगे सही जगह पर करेंगे और आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं अब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे उसके लिए और आपका एक तरीके से जो आप स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें अच्छे रिजल्ट ला सकें कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं तो आज आपके लिए उपाय क्या बनता है आपके लिए उपाय ये बनता है कि आप एक पात्र में दुर्वा ले लें दुर्वा और एक ले लीजिए आप उसमें कुशा दो चीज़ उसमें जल में मिला लीजिए एक पात्र में और वह जल जो है पीपल के वृक्ष पर आपको चढ़ाना है ये आपको कार्य करना है तो ये उपाय आपके लिए आज बनता है इस उपाय को आप करेंगे तो आपके लिए चौतरफा लाभ की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा अवश्य मिलेंगे अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका की लिब्रा साइन बनता है साथियों आपका मन बहुत आज भी प्रसन्न रहने वाला है आप अपने कार्यस्थल से जो भी कार्य आपके होने जा रहे हैं आपके द्वारा या जो भी आपके आसपास का वातावरण है उसको देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप मन लगा करके अपने कार्यों को करेंगे और पूरे विश्वास के साथ करेंगे पूरे आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर और कहीं से कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है जिसके कारण आपका मन और अधिक प्रसन्न हो सकता है वैवाहिक सुख जो हैं वो भी बराबर आपके लिए बने रहेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई को बराबर करते रहेंगे और उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी लेकिन मित्रों के साथ अभी अपने मन की बात साझा ना करें तो आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है ये दूर दराज की यात्राओं से परहेज करें तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए हालांकि जो आपके शत्रु विरोधी हैं वो शांत रहने वाले हैं आज के दिन और प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा और आपका एनर्जी लेवल और आपका जो पराक्रम है वो भी आज के दिन मध्यम सामान्य से मध्यम रहने वाला है हां आपका भाग्य भी आपका और अच्छे तरीके से आपका साथ दे भाग्य आपका प्रबल हो मजबूत हो उसके लिए आप उपाय क्या करें उसके लिए आज के दिन आप तुला लगन तुला राशि के जातक जो है वो किन्नरों को अगर हरी वस्त्र और हरी चूड़िया देते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी प्रिय साथियों आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएँ आपको बड़ा लाभ देने वाली हैं अगर आप करते हैं या उस करने की कोई प्लानिंग है आज के दिन आपकी जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाएँ तो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी लेकिन आप उनका पूरी तरह से लाभ लेने से वंचित रहेंगे जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पढ़ाई को जारी कंटिन्यू अच्छे ढंग से रख सकें इसको लेकर के हमें संदेह हो रहा है आपके ग्रहों के स्थिति को देख करके तो आपको हम तो यही कहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें गंभीरता से लें और अपनी अगर आप पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं साथ में हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं प्रिय साथियों धन का जो आगमन है रुक रुक करके होगा या थोड़ा कम मात्रा में होने की संकेत बन रहे हैं इसी प्रकार से धन की सेविंग के भी हालात रहेंगे कि पूरी तरह से जो आप प्लान करेंगे उस हिसाब से आप अपना धन संचय नहीं कर पाएंगे और आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी घर परिवार के सदस्यों के साथ तो सामान्य से मध्यम संबंध आपके आराम से बने रहेंगे चलते रहेंगे कोई विशेष परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है बस सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके उसके लिए क्या किया जाए उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर के और ग्यारह बार उसको अपने सर से एंटी क्लॉक घुमा करके और बहते जल में आप उसको प्रवाह करें तो ये आप जो स्टूडेंट्स हैं आपको उस जब ये उपाय करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप धनु धनुराशियों के जो जातक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है किन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी जाने वाली है अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के सफल रहेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर के साथ ही आपका जो स्वास्थ्य है वो भी एक तरीके से थोड़ा सा पेट को लेकर के समस्या बनने के संकेत हैं पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं लेकिन दूसरी ओर आप कुछ धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में अपने धन का खर्च कर सकते हैं और यदि कोई आप यात्रा भी करेंगे उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा प्रिय साथियों थोड़ा सा जो भी आपके पास टैलेंट है जो भी आपके पास ज्ञान है उसको लेकर के आज थोड़ा सा आप कुछ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रह सकते हैं यानी कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं वो गुण हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये डाउट रहेगा कि ये चीज़ मेरे पास क्या मैं इसमें पूरी तरह से मेरे पास एक्सपर्टीज़ है क्या उसको लेकर के भी आज का दिन कुछ ऐसा रहने वाला है बावजूद इसके कि जबकि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है ज्ञान है उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ भी है आप करते भी आ रहे हैं लेकिन आज आपको संशय आपके दिमाग में रह सकता है तो आप थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है पराक्रम और एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और भाग्य का भी सामान्य से मध्यम आपको उसका लाभ प्राप्त होने वाला है प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि जो हमारे आप धनु राशि के जातक हैं इनकम भी आज के दिन आपको आराम से होगी इनकम का योग बना हुआ है धन का आगमन रहेगा मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा लेकिन वर्क प्लेस में थोड़ा सा आपको परिश्रम मैंने जैसा कहा कि पराक्रम अच्छा रहेगा तो आप पराक्रम का उपयोग अपने वर्क प्लेस में करें वहाँ परिश्रम करें मेहनत करें ताकि आपका वहाँ पर भी अच्छे परिणामों का प्राप्ति का योग बने प्रिय साथियों उपाय के लिए बताना चाहेंगे कि उपाय आप आज के दिन क्या कीजिएगा तो आज के दिन आपके उपाय यही है कि माथे पर जो है आप हल्दी या केसर का तिलक लगा करके ही घर से निकलिएगा और माथे पर भी लगाएं जिव्या पर लगाएं और नावी पर लगाएं ये आप उपाय करें आगे बात करेंगे मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मकर राशि के मित्र हैं आपके लिए आज अपने वर्क प्लेस से संबंधित बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं और वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे वैवाहिक सुखों का भी आनंद आप ले रहे हैं लेते रहेंगे और प्रिय साथियों दूसरी बात ये भी है कि जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपका प्रेम बना रहेगा और थोड़ा बहुत जो घर के जो बड़े हैं हेड हैं उनके आशीर्वाद और प्यार और स्नेह में कुछ कमी का अनुभव जरूर करेंगे हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति ही आज उनको हो पाएगी लेकिन जो अपनी जीविका चला रहे हैं मकर राशि के लोग उनको इनकम उनके हाथों में अच्छी आएगी धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा और धन का इन्वेस्टमेंट या सेविंग भी आप आराम से अपनी प्लानिंग करके सही जगह पर कर पाएंगे उसके अच्छे रिटर्न भी आपको मिलने की संभावना है हायर स्टडीज जो कर रहे हैं उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है तभी कुछ सामान्य तौर पर आपको परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अब आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो उसके लिए आप क्या करें उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आज के दिन आप ओम स्त्रीम ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला या तीन माला अवश्य करें तो प्रिय साथियों अगर ये माल इस मंत्र का आप जाप करते हैं एक माला या तीन माला तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी नंबर एक नंबर दो जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आगे कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं कि आपका आज 19 जून 2024 बुधवार कैसा जाने वाला है तो प्रिय साथियों मैंने आगे भी आपको ये बात कहा है कि आपके योग बना हुआ है शनि के द्वारा बहुत ही प्रबल राजयोग बना हुआ है तो उसको लेकर के आप बहुत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने किसी भी कार्य को लेकर के मतलब आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर रहने वाली नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा जो वैवाहिक सुख है उसमें कुछ किंचित कमी है थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी तो उसको आप चाहें तो ठीक कर सकते हैं कैसे सही कर सकते हैं सूर्यदेव को प्रातः जल दे करके और प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो छात्र हैं सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं या वो हायर स्टडीज़ भी जो कर रहे हैं उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मेरा कहना है कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं लेकिन अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आपको उसके काफ़ी उत्तम ऐसे भी रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिए आपको आपने एक्सपेक्टेशन ही आपकी ना हो आपकी अपेक्षा ना हो इतने भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अगर आप मन लगा करके काम करते हैं वर्क प्लेस में भी आपको अपने अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे ढंग से बने हुए हैं और कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी अगर आप निकलते हैं तो वह यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेगी और अगर धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो तो ये और भी ज़्यादा सुखद यात्रा आपके लिए रहने वाली है प्रिय साथियों बताना चाहूँगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जो हैं किसी न किसी रूप में उनका आप आशीर्वाद ले ही लेंगे बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि बोलने से पहले सोचें कि किसी को कुछ गलत तो नहीं मुँह से निकल रहा है अगर गलत निकल जाता है तो उससे आपके परिवार के सदस्य हों या फिर आपके समाज समाज में रहने वाले लोग हों वो आपकी वाणी से आहत हो सकते हैं अपने आप को आहत महसूस कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें और दूसरा उपाय आपको मैं बताने लग रहा हूं यूं तो आपको पराक्रम की तो कमी बिल्कुल नहीं है पराक्रम बराबर रहेगा उसके द्वारा आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे भाग्य भी मतलब प्रबल होगा आपका आपकी मेहनत से लेकिन मैं आपको ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा अभी आपको कहा कि ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें साथ ही कुत्ते को भी दूध या रोटी खिलाएं अपने हाथों से आज के दिन तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे प्रिय साथियों आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि ए पाएसिस साइन बनता है तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके वो आपके ऊपर बड़े मेहरबान रहेंगे उनका आशीर्वाद और प्यार भी आपको मिलेगा और दूसरी ओर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें हम बराबर आपसे ये बात कह रहे हैं मीन राशि के लोगों से कि अपने आप को थोड़ा सा जो दिल में है उसको जवान पर लाना है उसमें कई बार आपको भी नुकसान हो सकता है ये बात हम आपको बराबर बोल रहे हैं अगर आप अपनी इस वाणी का प्रयोग उपयोग सोच समझ करके करते हैं तो इससे आपको ही लाभ मिलने वाला है प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाएं सामान्य से मध्यम तौर पर आपको प्राप्त होती रहेंगी और इसी प्रकार आपके वर्क प्लेस में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी कहने का तात्पर्य है कि आपका वर्क प्लेस में आज का दिन मध्यम तरीके से निकल जाएगा साधारण से मध्यम प्रिय साथियों जहाँ तक इनकम का प्रश्न है इनकम तो आपको होने वाली है और होती रहेगी लेकिन साथ में अपने खर्चों पर भी हम आपको बराबर बोल रहे हैं कि नियंत्रण जरूर रखें क्योंकि यहाँ पर खर्च होने की भी अधिकता दिखाई देती है और किसी भी कार्य को पूरा करने में कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता ना अपना है और थोड़ा सा वैवाहिक संबंध आपके अच्छे बने रहें इसके लिए आपको क्या करना है एक तो साथियों मैं बताना चाहूँगा आपका एक तरीके से आपका पराक्रम अच्छा बना रहे तो आपको एक तो पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य देना चाहिए दिन में और संध्या के समय देसी घी का दीपक वहाँ पर जरूर जलाएं और इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा जी की पूजा आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ करें लेकिन माँ दुर्गा जी की भक्ति से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और सभी क्षेत्रों में उसका लाभ आपको मिलेगा तो प्रिय साथियों ये था आप सभी बारह राशियों के जो हमारे मित्र हैं मेष से लेकर मीन तक उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 जून सन 2024 दिन बुधवार का विक्रम संवत दो का तो साथियों हमने तो इस आपको दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी को बारह राशियों के जो हमारे मित्र हैं जातक हैं ये बताने की कोशिश की है कि आज उन्नीस जून का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है कैसा आपका जाने वाला है ये दिन और इस चर्चा को पूरे करने के उपरांत अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से व्यूअर्स से इजाज़त लेना चाहेंगे तो आप सभी का सह बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी